देश भर में मौसम का रुख बदलने वाला है। मौसम विभाग की माने तो 30 मार्च से उत्तर पश्चिम, पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में गरज के साथ बारिश का सिलसिला शुरू होगा। आईएमडी के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश में 30 और 31 मार्च को और राजस्थान में 30 मार्च को फिर से ओले गिरने की संभावना है। बारिश और ओलावृष्टि का ये दौर 1 अप्रैल तक जारी रहने वाला है। बता दें कि मौसम विभाग की ओर से पहले ही अनुमान लगाया गया था कि 29 मार्च को एक सक्रिय वेस्टर्न डिस्टरबेंस पश्चिमी हिमालय की ओर आ रहा है, जिसके चलते बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेंगी। मौसम विभाग की माने तो देश की राजधानी नई दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 19 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री रह सकता है। वहीं नई दिल्ली में आज हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। 31 मार्च को दिल्ली में गरज के साथ तेज बारिश देखने को मिल सकती है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली रहने की उम्मीद है। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काई मेट की माने तो आज अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना है। वहीं बाकी पूर्वोत्तर भारत, गंगी, पश्चिम बंगाल, तटीय ओडिशा, दक्षिण तमिलनाडु और केरल में भी हल्की बारिश हो सकती है। स्काईमेट के मुताबिक 30 मार्च की शाम से उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में बारिश और गरज के साथ बौछारें शुरू हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में भी मौसम में बदलाव का पूर्वानुमान जाहिर किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते गुरुवार दोपहर या फिर शाम से तेज हवा चलने लगेंगी। शुक्रवार यानी कि 31 मार्च को आंधी के साथ बारिश आने की आशंका जताई गई है। शनिवार तक इस स्थिति के बने रहने का अनुमान है। 31 मार्च और 1 अप्रैल के लिए लखनऊ में येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।